मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर डिस्कशन 9 चैप्टर नेम है सिंपल मशीन बताने जा रहा हूं। चैप्टर 9 में मूल रूप से आपको पढ़ना है लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर में है फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। उसके बाद है पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल एंड वेज। उसके बाद है कंपाउंड मशीन। तो मूल रूप से हमको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। तो आइए आप चैप्टर 9 पेज नंबर 80 निकालिए। इसमें है सिंपल मशीन। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट सिंपल मशीन, कहता है आओ चले सिंपल मशीन के बारे में कुछ जानते हैं। अ मशीन इज अ डिवाइस दैट डज मोर इजियर एंड फास्टर। बाय यूजिंग अ मशीन लेस एफर्ट एंड एनर्जी इज नीडेड टू कंप्लीट अ टास्क। मशीन वह यंत्र है जिसके द्वारा हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। मशीन के द्वारा कोई भी काम करने में हमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ देम। हम अपने रोज के जीवन में कई तरह के मशीन का प्रयोग करते हैं। उसी में से कुछ मशीन का वर्णन यहाँ दिया गया है, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले है 1 नंबर लीवर। लीवर इज अ सिंपल मशीन। इट हेल्प्स इन एक्सर्टिंग फोर्स इन सच अ वे दैट इट मेक्स आवर वर्क इजी। लीवर, तो लीवर क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है। लीवर जो एक तरह का फोर्स वर्क करने के लिए हमें देता है, जिसके द्वारा हम अपने काम को इजी रूप से कर सकते हैं। द लीवर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन रोड रिजिड रॉड विच कैन टर्न अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फॉलक्रम। द ऑब्जेक्ट विच वी आर ट्राइंग टू मूव इज द लोड और वेट। द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द लीवर टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एफर्ट। सो इन अ लीवर वी हैव 3 पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशंस, द लोड, द एफर्ट एंड फॉलक्रम। देखिए लीवर क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है जिसके बीच में एक कहे की रॉड दिया होता है, जिस पर वो पूरा भार होता है। एक रोड के बीच में, जैसे आप पुली चरखी देखे होंगे कुआं से पानी खींचते समय जो गोल चक्के का यूज किया जाता है, चरखी का, उसी को पुली कहते हैं। तो उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें आपका पुली एक गोल चक्का होता है, उसके बीच में रॉड होता है जो घूमता है, और वो जब उसके द्वारा एक रस्सी जो बाल्टी से लगा होता है उसे हम पानी कुआं से आसानी से भर सकते हैं। एक तरफ बाल्टी होता है, वो बाल्टी का रस्सी से जुड़ा होता है, और क्या होता है, रस्सी पुली के द्वारा यानी चरखी के द्वारा आपका एक रस्सी के दूसरे किनारे से हम उसको आसानी से पानी को कुएं से निकाल सकते हैं। तो निकालते समय क्या होता है, ये पुली का जो भार होता है वो मूल रूप से एक एक्सल कहिए रॉड उस पर होता है, और
जो हम पावर लगाते हैं, फोर्स शक्ति लगाते हैं, उससे क्या होता है, कोई वस्तु मूव करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा रॉड एक बहुत बड़े लकड़ी को हटाने के लिए यूज किया जाता है, तो बड़े लकड़ी जो बहुत वजनदार होता है उसको क्या करते हैं, बीच में एक पहले बड़ा सा रॉड लेते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा रॉड डालते हैं, और जैसे कि आपके फिगर में यहां दिया गया है आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया रॉड, जिस रॉड पर हम शक्ति लगाए हैं वो एफर्ट हुआ, जो बीच में यहां आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा लकड़ी कहिए या कुछ ऐसा चीज जिस पर हम उस रॉड को रख सकते हैं, उसको फलक्रम आधार बोलते हैं, और जिस बड़े भाग को लकड़ी हो पत्थर हो जिसको हम हटाते हैं उसको वेट यानी भार करते हैं। तो इस तरह से लीवर लोड ऑफर्ड एंड फलक्रम यानी लोड भार को हम प्रयास के द्वारा अपने ये पावर लगा के शक्ति लगा के एनर्जी लगा के उसका प्रयास करते हैं उसको उठाने का हटाने का, और जिस जगह से उस पर मूल रूप से भार दिया जाता है इसको फलक्रम इसको हमें आधार बोला जाता है। तो इस रूप में आप देखे होंगे कि बड़े खास करके आप भी कभी कभी देखते होंगे कि बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को किस तरह से हटाया जाता है, उसको उठाना है तो क्या करना पड़ता है, एक बड़ा सा रॉड लिए उसके नीचे छोटा कुछ डाल दिए, फिर उस रॉड को एक तरफ से उठा भार देते हैं, हम लोग दबाव देते हैं, तो क्या होता है वो बड़ा लकड़ी उठने में आसान हो जाता है। तो ये था एक सिंपल टाइप का लीवर। अब है टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर भी कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। नंबर वन में है फर्स्ट क्लास लीवर्स। तो फर्स्ट क्लास लीवर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। इन दिस क्लास द फलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम। सम कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर्स आर हैंड पंप, क्लॉथ हैमर्स, क्रोवर, सीसॉ, सीजर्स, प्लियर्स एटसेट्रा। जैसे जो फिगर में आपका दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि हैंडपंप है, हैंडपंप यानी कल है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, सीसॉ झूला है, कैंची है, एक तरह का पिलास है, ये हथौड़ी है। तो इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज होता है कि एक तरफ ज्यादा रहता है, दिख रहे हैं हैंडपंप में देखते हैं बड़ा सा डंडा होता है जो कि एक एंगल से जुड़ा होता है, और जब उस हैंडपंप पर हम हाथ देते हैं फोर्स देते हैं तो क्या होता है वो नीचे जाता है और पानी आ जाता है, तो इससे पानी निकालने में आसानी होती है। अब है हम हथौड़ी का यूज, देखते हैं हथौड़ी किस तरह का होता है, उसमें एक लोहा का मोटा आगे से होता है, एक रॉड से या लकड़ी से वो जुड़ा होता है, अगर हम इस तरह से उस पर वजन देते हैं तो आसानी से कोई चीज अंदर चला जाता है, तो उसमें ज्यादा हम लोग को कम पावर लगाना पड़ता है। उसी तरह से कोई चीज को उठाना है तो आप अपने घर में गांव में देखते हैं कि हम लोग सावल का यूज करते हैं किसी चीज को उठाने में, तो उसका भी है सीसॉ झूला जो बीच में एक एंगल से जुड़ा होता है, उस पर एक इस तरह का रॉड, ये मानिए कि बीच में ये रॉड हो गया और दोनों तरफ एक समान भार होता है। आप कैंची देखते हैं कि कैंची में क्या होता है, बीच में एक स्क्रू से जुड़ा होता है और
उसको इस तरह से हम करते हैं तो क्या होता है, आसानी से कट जाता है। तो इस टाइप के जितने भी होती हैं वो फर्स्ट क्लास लीवर्स कहलाते हैं। अब आती हैं बी सेकेंड क्लास लीवर्स। इन दिस इन द सेकेंड क्लास लीवर्स द लोड इज एग्जैक्टली एट द सेंटर बिटवीन द फल्क्रम एंड द इफर्ट। सम कॉमनली यूज डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द सेकेंड टाइप्स ऑफ लीवर्स आर व्हील बोरो नट क्रैकर्स डोर नो व्रेंच ओपनर लेमन स्क्वीजर पेपर कटर एक्सेट्रा। दूसरे टाइप का जो लीवर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये उंगली मान के चलिए, तो यहां से ये उंगली यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह का वो अधिकतर मशीन होता है जो यहां से जुड़ा होता है, आगे से वो ओपन होता है। और अगर हमें जैसे कि लेमन जूस, जैसे नींबू गाड़ने के लिए जिस मशीन का यूज होता है, तो देखते हैं कि आप बीच में गड्ढा तरह का होता है, इस तरह का आगे से एंगल होता है उसका, और बीच में यहां नींबू रखेंगे, आगे से इसको ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, आसानी से नींबू का रस निकल जाएगा। इसी तरह से आप देखते हैं कि ओपनर, अगर जैसे आप ठंडा पीते हैं तो क्या होता है कि इस टाइप का होता है, उसको फंसाते हैं और इस तरह से ऊपर की ओर उसमें थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो ढक्कन खुल जाता है। उसी तरह से नट क्रैकर, यानी जिससे आप कसेली वगैरह काटते हैं, तो क्या होता है उसका देख रहे हैं कि आगे से इस तरह से एंगल होता है, आपका ये फिगर में दिया गया है। तो ये जितने भी हैं ये सब आते हैं सेकेंड क्लास लीवर में। अब चलते हैं थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर, इन द थर्ड क्लास लीवर द फल्क्रम इज एट वन एंड ऑफ द लीवर, द इफोर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। सम कॉमनली यूज डिवाइसेस बेस्ड ऑन द थर्ड टाइप्स ऑफ लीवर्स आर फोर्सेप्स आइस्टोन्स नाइफ स्टेपलिंग मशीन ट्वीजर्स फिशिंग रोड एक्सेट्रा। तो तीसरे क्लास का जो लीवर होता है वो आप देख सकते हैं कि जैसे चाकू हो गया तो क्या होता है, आगे एक तरफ से वो नुकीला होता है, ज्यादा तेज होता है, जिसको काटने में आसानी होता है। और जैसे आप मछली पकड़ने वाले जिसको बंसी बोलते हैं, फिशिंग रोड, तो उसको क्या करते हैं, आसानी से एक उसमें बड़ा सा होता है कोई चीज बांधने वाला, उसको क्या करते हैं कि एक रस्सी के साथ हल्का सा पतला रस्सी होता है, वो पानी में डूबा होता है, जब कोई मछली फंसता है उसमें तो पता चल जाता है बाहर से, उसको हम इस तरह से टीपेंगे तो मछली आसानी से बाहर आ जाएगी। इसी तरह से स्टेपलिंग मशीन, आप स्टेपलर का यूज करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मशीन के अंदर पिन होता है, उसको हम इस तरह से प्रेस करते हैं, स्टेपलर मशीन को प्रेस करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो आइस्टोन यानी हम अपने जीभ को साफ करते हैं, इस तरह से करते हैं, दो लग ये आप देख रहे हैं कि आइस्टोन क्या होता है। तो ये जितने टाइप के आपका दिया गया है ये आपका थर्ड क्लासेस लीवर्स, यानी तीसरे तरह का लीवर हो गया। अब आते हैं कुली यानी चर्खी। तो ये कुली है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अ पुली इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड ए रोप और चैन और बेल्ट। द रोप फिक्स ऑन द ग्रूव ऑफ द व्हील। वन पार्ट ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू द लोड। द पुली इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। द फोर्स इज अप्लाइड एट वंस एंड ऑफ द रोप होल्ड्स द लोड। द पुली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। द पुली मेक्स इट इजियर टू ड्रॉ वाटर
from the wheel. Similarly, it is difficult to climb a flagpole. So a pulley is fixed at the top of the pole to hoist the flag easily. पुली यानी चरखी। अभी तो कम, लेकिन पहले के समय में ज्यादा होता था कुआं का प्रयोग। उसमें क्या होता था कि एक गोल लकड़ी का बना होता था, जिसके बीच में एक एक्सल होता था, लोहे का रॉड घुसा हुआ होता था। उसको दोनों साइड से इस तरह से और बांस गाड़ के या लोहे का एंगल गाड़ करके उसके ऊपर से एक ऐसे करके उसमें पुली को बांध दिया जाता था, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। और उस पुली यानी चरखी में क्या होता था कि रस्सी के एक छोर को बाल्टी से बांध देते थे और उसको पुली के बीचों बीच निकाल करके दूसरे छोर से, रस्सी के दूसरे छोर से क्या करते थे कि अगर खींचते तो कुआं से पानी भर के बाल्टी में आराम से ऊपर आ जाता था, क्योंकि पुली चरखी जो है बीच से नाचता था। और अभी भी जैसे आप झंडा फहराते हैं तो क्या देखते हैं, बीच में झंडा के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक गोल लोहे का एंगल उसमें बांध दिया जाता है और उसके द्वारा रस्सी को हम एक साइड से दूसरे साइड ले आते हैं और एक साइड में झंडा बना हुआ होता है। इस तरह से बांधा जाता है उसको कि दूसरे छोर को हम खींचे तो एक साइड का जो बंधा हुआ है वो खुल जाता है। तो जब हम एक साइड के रस्सी को खींचते हैं, खींचने के बाद क्या होता है, ऊपर जो बांधा गया है दूसरे साइड में झंडा को, तो वो खुल जाता है, इस तरह से झंडा फहराता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल पुली का। अब है इनक्लाइंड प्लेन। तो इनक्लाइंड प्लेन क्या है इसके बारे में जानते हैं। एंड इनक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच हैज वन एंड हायर देन द अदर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप एन इनक्लाइंड प्लेन, लेस एफर्ट इज नीडेड देन इफ यू वेयर टू लिफ्ट इट स्ट्राइट अप, बट यू मस्ट मूव द ऑब्जेक्ट ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन आर अ स्लोपिंग वुडन प्लेन, क्रैंक्स, रोड्स ऑन हिल्स, स्लाइड लैडर्स एटसेट्रा। जैसे कभी कभी आप भी देखते होंगे कि कोई भारी सामान को गाड़ी से, ट्रक व्रक से उतारना हो या ऊपर चढ़ाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा समतल, कहीं की लकड़ी ले या लोहे का प्लेट आता है तो उसको लगा देते हैं नीचे इस तरह से ऐसे, और अगर हमें उतारना है तो आसानी से उसको हम उस बड़े से सामान को, भारी सामान को उस लकड़ी पर रख के उसको आसानी से नीचे ले आ सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर करना होगा तो उसके द्वारा धीरे 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 हम उसको ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि काम करने में आसानी हो जाता है, कम पावर की शक्ति की जरूरत पड़ता है। इसका एग्जाम्पल में है, जैसे पहाड़ पर का जो रूप होता है वो ऊपर से ऐसे होता है या नीचे की ओर ऐसे होगा। अगर हमें नीचे आना है तो रोड ढालू होगा नीचे की ओर, अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना हो पहाड़ी रोड पर तो इस तरह से ऊपर की ओर होगा। तो ये एक एग्जाम्पल आपका होगा इंक्लाइंड प्लेन का। अब आते हैं 4 नंबर, स्क्रू। और स्क्रू इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली।
स्क्रू इज नथिंग नथिंग व्हाट अ रिवॉल्विंग इंक्लाइंड प्लेन और एन इंक्लाइंड प्लेन ब्रेक्ट अराउंड अ सिलेंडर द पाथ ऑफ इट इज नॉन एज थ्रेड्स एंड द गैप बिटवीन द टू थ्रेड्स इज पिच Some examples of screw are electric bulb, clamp, jack, key, ring, etc. तो स्क्रू का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. स्क्रू एक ऐसा मशीन है जिसको दो वस्तु को एक साथ जुड़ने में उसका यूज किया जाता है. जैसे जैक गाड़ी, अगर कोई फोर व्हीलर पंचर हो जाता है तो उस क्या करना पड़ता है कि उसके एक चक्का को निकालना होता है. तो एक चक्का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको जैक लगाना पड़ता है. जैक में आप देखते हैं क्या होता है, जैक बीच में आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन दिया गया है. क्या होता है उसको इस तरह से बीच से हम एक स्क्रू टाइप का होता है जिसको इस तरह से घुमाए तो ऊपर की ओर उठते जाता है और नतीजा क्या होता है कि गाड़ी आसानी से ऊपर हो जाता है और चक्का हम निकाल लेते हैं. उसी तरह से की रिंग को भी देखिए, क्लैंप हथकड़ी में क्या होता है, उसमें भी स्क्रू होता है जिसको हम हाथ में पहनाने के बाद उस स्क्रू को थोड़ा कसते जाएंगे तो वो क्या होगा, कसा जाएगा और उसको ढीला करेंगे तो ढीला हो जाएगा. स्क्रू का एग्जाम्पल आप अपने घर में बने हुए फर्नीचर में भी देख सकते हैं. जितने भी आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसमें स्क्रू का यूज होता है. तो ये सब एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, स्क्रू का. स्क्रू क्या करता है, दो वस्तुओं को एक साथ जोड़ने में काम आता है. अब है व्हील एंड एक्सल. The wheel and axle is another simple machine. The axle is rod that goes throughout the wheel. This lets the wheel turn. When the wheel turns, the axle turns in the same direction. Similarly, when the axle turns, the wheel turns in the same direction. जैसे wheel और axle कहने का मतलब है चक्का और धुरी. जैसे जितने भी गाड़ी होते हैं आप देखे होंगे कि चक्का जो है एक एक्सल से जुड़ा होता है. एक्सल जब नाचता है तो चक्का नाचता है, जब चक्का नाचता है तो एक्सल नाचता है. तो ये एग्जांपल हो गया व्हील और एक्सल, व्हील एंड एक्सल का. अब है व्हीज. व्हीज का मतलब होता है नुकीला. जैसे अ व्हीज इज अ व्हीज इज आल्सो सिंपल मशीन. अ व्हीज इज हैज टू इंक्लाइन इंक्लाइन प्लेन्स टुगेदर इन द shape of V, which is used for cutting and exploiting things. जैसे wedge का, जैसे आप कुल्हाड़ी देखे हैं, blade देखे हैं, उसका क्या होता है, किनारा तेज होता है, आकार घी के तरह का ऐसे मतलब होता है, आगे से वो नुकीला होता है और पीछे से चौड़ा होता है जिसका यूज काटने फाड़ने के लिए किया जाता है. अब है नेक्स्ट है कंपाउंड मशीन. और कंपाउंड मशीन आर टू और मोर सिंपल मशीन वर्किंग टूगेदर. मोस्ट ऑफ द मशीन वी यूज टूडे आर कंपाउंड मशीन मेड बाई कंबाइनिंग सेवरल सिंपल मशीन. कंपाउंड मशीन का मतलब होता है कि जुड़ा दो या दो से अधिक मशीन एक साथ मिलकर काम करते हैं उसी को कंपाउंड मशीन कहते हैं. आजकल आप जितने भी मशीन देखते हैं सभी कंपाउंड मशीन है, सिंगल कोई काम नहीं करता है, सब डबल है. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर डिस्कशन समाप्त होता है. मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख करके आप इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.